नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है भीमराव अम्बेडकर, देन है इंडिया में जो महिलाओं का क्या सिस्टम है, अगर मैं एग्रीकल्चर की स्पेशली बात करूं तो उस हिसाब से। अगला है भारत के अंदर जो कास्ट का सिस्टम पूरा चल रहा है उससे जुड़े हुए सारी चीजें। फिर है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, फिर है पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फिर है पशु महामारी की क्या जो जो आने के आसार है उसमें क्या निपटान के लिए क्या क्या चीजें कर दी गई। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की जो यहाँ पर जयंती थी वहां उस समय उनको श्रद्धांजलि जो अर्पित की गई है उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है और वो जो श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उन्हीं के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको BR अम्बेडकर के नाम से बहुत पॉपुलरली जाना जाता है, जिनका नाम आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा सुना भी हुआ है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर एक ज्यूरिस्ट भी थे, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, हर चीज का इन्होंने यहाँ पर जो है वो पूरा योगदान दिया है। अब ये एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक दलित फैमिली से बिलोंग करते। तो यहाँ पर दलित विद्यार्थियों के लिए जो ये बिलोंग करते थे उन्हीं से जुड़े हुए इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर काम भी किए हैं। उन्हीं को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि उन्होंने उनसे जुड़े हुए यहाँ पर कौन कौन से भारत में यहाँ पर जो है काम करे वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले इन्होंने दलित कैट के लिए जो है यहाँ पर क्या बनाया था, बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई थी 1924 में, जहां पर उन्होंने जितने भी दलित लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारा काम किया। और ये भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी बनी थे। संविधान सभा में की जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे यहाँ पर, जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके साथ और 6 मेंबर्स भी थे, टोटल 7 थे। ये कैसे पहले अनटचेबल थे जिन्होंने एलिफ्टन कॉलेज में जो है वो दाखिला लिया था बॉम्बे विश्वविद्यालय में, और इकोनॉमिक्स की डिग्री, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद ये लंदन चले गए थे, सॉरी न्यूयॉर्क चले गए थे यूएसए में। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए और इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर जो है बुक में लिखा, जहाँ पे इन्होंने जाति व्यवस्था, जो हिंदू रूढ़िवादी समाज है, धार्मिक धार्मिक नेताओं का काफी विरोध किया था। और फिर इन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था और साथ ही साथ इन्होंने 1937 में केंद्रीय विधानसभा में बॉम्बे से चुनाव भी यहाँ पर लड़े थे। इन्होंने जो आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसका इन्होंने विरोध किया था, लेकिन जो UCC है, आचार संहिता, समान नागरिका संहिता, सॉरी आचार संहिता नहीं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नागरिक संहिता UCC जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में लिखी हुई है, DPSP में, राज्य के दिशा निर्देशक तत्वों में, उनको इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया है। उसके बाद 1942 में ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है गवर्नर जनरल की, उसके ये मेंबर बने थे, वहां पर ये लेबर मेंबर के रूप में रहे थे। 1946 में इन्होंने बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने जब हो गया खत्म यहाँ पर ये पूरा, उसके बाद इन्होंने 1956 में 5 लाख दलित फॉलोअर्स को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा के बुद्धिज्म में किस तरीके से आगे से बढ़ा जाता है उस चीज के लिए काफी ज्यादा इन्होंने काफी काम भी किया है। उसके अलावा इन्होंने 1951 में रिजाइन कर दिया और बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1934 के एक्ट के तहत 1935 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को ये तैयार हुआ था, इसमें इन्होंने काफी काम किए। और जो हिल्टन यंग कमीशन आई थी 1926 में,
उसके लिए भी इन्होंने काफी सारा यहाँ पर काम किया है, जिसके तहत यहाँ पर भारत में काफी सारी चीजें सफल हो पाई है। तो ये सब काम जो है वो इन्होंने ही यहाँ पर इन्हीं के द्वारा देखे गए हैं, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर काम ये सारे करवाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इनको यहाँ पर जो है एक कोट के लिए काफी फेमस जाना जाता है, एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति से नापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। इसके लिए यहाँ पर बोधिसत्वा का इनको टाइटल दिया जाता है, जो जागतिक बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके तहत यहाँ पर, और बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्वा बोला जाता है। इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1990 में। ये सारे फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आप लोगों को याद में रखनी। फिर आता है, अगर मैं बात करूं खाद्य प्रणाली के रिपोर्ट में महिलाओं की क्या स्थिति चल रही है, तो वो FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सभी नाम जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है, जो पूरे के पूरे यहाँ पर एग्री फूड कृषि खाद्य प्रणाली के बारे में बताती है कि खाद्य और गैर खाद्य कृषि के जो उत्पाद होते हैं उसका कैसे, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसका भंडारण स्टॉक कैसे होता है, एकत्रीकरण कटाई के बाद उसको कैसे प्रबंधन किया जाता है, सारी चीजों का वितरण कैसे लोगों में बांटा जाएगा, निपटान किया जाएगा, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में सिर्फ ये बताया गया कि भाई विमेन का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, अगर पूरे में खाद्य पदार्थों की बात करूँ तो विमेन का क्या रोल आता है। ये रिपोर्ट यहाँ पर पूरा पूरा विमेन के बारे में, विमेन का पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, COVID-19 की वजह से हर एक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, लड़के हो, लड़कियां हो, किस तरीके से प्रभाव किया है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट ने बताया क्या है। इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि 38% जो है, सॉरी 36% यहाँ पर जो कामकाजी पुरुषों के साथ, 36% कामकाजी महिलाएं भी यहाँ पर कृषि खाद्य प्रणालियों में काफी ज्यादा काम कर रही हैं, और कई देशों में पुरुष की तुलना में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाएं जो है वो आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत की तरह काम करती है। वुमेन की जो भूमिका है वो इस तरीके से है कि भाई पुरुषों की तुलना में काफी खराब होने की वजह से जो जितने भी ये सुरक्षित कार्यकाल, ऋण पहुंचाना, पुरुषों के लिए यहाँ पर जो तकनीकें होती हैं उन पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। बाकी यही है, कोशिश तो सरकार की यही है कि महिलाओं में समानता लेके आई जाए, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम लोग यहाँ पर अपनी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं। अब आगे इस रिपोर्ट ने क्या बताया है वर्ल्ड के लिए कि हम किस तरीके से चीजों को लेके आ सकते हैं। तो पहला तो इन्होंने ये बताया है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल गैप चल रही है और जो असेट से जुड़े हुए, रिसोर्सेस से जुड़े हुए गैप चल रहे हैं, उनको कम से कम किया जाए, खत्म किया जाए, और लिंग, उम्र, सामाजिक, आर्थिक भेदभाव को जो भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है उसको दूर करा जाए। खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित जितने भी यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की बातें हैं वो महिलाओं को पूरी तरीके से की जाए। शिशु देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि महिलाएं जो है वो बाकी ज्यादा चीजों पे काम कर सके और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके सोसाइटी पर। ये एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 अप्रैल को ये रिपोर्ट आई थी, 13 अप्रैल 2023 को। FAO काफी इंपॉर्टेंट है, UN के अंडर जो है वो एक तरीके से स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह काम करती है, जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF काम करते हैं, उसी टाइप से FAO भी जो है इसी टाइप से इस चीज में लगी हुई है। तो ये रिपोर्ट ग्लोबल तरीके से रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों को पूरी तरीके से याद रखना है कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वो हमारे लिए पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट में किस चीजों के बारे में हमको समझाया गया, हमको बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ तक सारी चीजें, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। अगला हमारा आता है भारत में जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम के ऊपर। देखते हैं भाई इसमें दलितों के ऊपर क्या भारत में यहाँ पर बात की गई है। देखिए, अगर हम अपने विचारों को उदारवादी करने चाहते हैं, आज के टाइम पे जो दलित हैं, जो पिछड़ी जाति हैं, SC कैटेगरी के हैं, वो भी यहाँ पर पिछड़ी जाति के रूप में नहीं रह रहे हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से वो भी अपनी सोसाइटी में पहचान बना चुके हैं, मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक तरीके से हो, और ये परिवर्तन जो है BR अंबेडकर के एफर्ट्स के बाद ही सबसे ज्यादा देखने को मिला। ठीक है भाई, भारत में दलित हैं उनके यहाँ पर
तो भारत में यहाँ पर कई बार जो है वो भय का माहौल होता है कि किस तरीके से आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी, कैसे होगा। तो दलितों के लिए काफी सरकार यहाँ पे काम कर रही है। बेसिकली जाति होता क्या है, जाति एक पुरानी तरीके की चलती आ रही है, इसका कोई सेंस नहीं है, बट हाँ ये चीजें आज के टाइम पे भी है, एग्जिस्ट तो करती है। तो ये है भाई, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बेस पे होता है, जो हर एक भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो ये चीज दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख का रहता है, नहीं, ये कास्ट जो है वो हिंदू में भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, हायरार्की बनाई जाती है, और खंडीय संगठन शामिल किया जाता है, जाति आधारित व्यवसाय यहाँ पर बांट दिए जाते हैं कि ये जाति के लोग यही काम करते हैं, और उनको मतलब जो है जाति जन्म से निर्धारित होती है, इसलिए व्यक्तिगत पसंद का मामला तो होती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कोई खुद से उस जाति में पैदा हुआ है, ये तो एक आरोपित रूप में उनको कर देना कि आप तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। अंतरविवाही विवाह के समय में भी ये जो है काफी बड़ा एक हर्डल की तरह सामने आता है। सहभोज्यता, इससे भोजन का बंटवारा, खाना कैसे खाना है, किस तरीके का खाना होगा, वो भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो कास्ट सिस्टम जो है वो काफी पुराना हमारी प्राकृतिक पारंपरिक प्रकृति के रूप में देखा है, लेकिन हाँ आज के समय में जैसे आधुनिक शिक्षा बढ़ती जा रही है, उसमें यहाँ पर समानता जैसे मूल्य हमारे हैं, हमारा चाहे आर्टिकल 14 है, यहाँ पर जो आप आज के टाइम का जो युवा है वो शिक्षित है, तो यहाँ पर अंतर जातीय विवाह, इंटर कास्ट मैरिजेस को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और इक्वालिटी की बात करते हैं, औद्योगिकीकरण की भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। जाति कोई आप सोच के तो पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक पसंद का मामला तो होता नहीं है। शहरीकरण भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण की वजह से जाति की अब ये पहचान गुमनाम सी हो गई है, ठीक है। अब शहरों के क्षेत्रों में यहाँ पर इसका कोई सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, कोई इसके बारे में सोचा नहीं जाता है। साथ ही साथ हर एक को यहाँ पर वोट देने का अधिकार है, हर एक को यहाँ पर संवैधानिक अधिकार है, सकारात्मक सोच का अधिकार है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आज के समय में ये एग्जिस्ट तो करती है। और इसमें जो है यहाँ पर जैसे आपको मैंने अभी बी आर अम्बेडकर के बारे में भी बताया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने इस चीज के लिए पूरे काफी ज्यादा स्टेप्स उठाए हैं, और ये चीज जो है वो सरकार को भी समझनी है और लोगों को भी समझनी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारे कास्ट का जो सिस्टम है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरीके से बोला जाता है, आउटकास्ट, अनटचेबल्स, इस तरीके से कैटेगरी बनाई जाती है, इनको कई बार अति शूद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके की कास्ट सिस्टम जो है वो भारत पे प्रिवेल करता है। इसे हम कभी कभी वर्णा सिस्टम भी कहते हैं। ये वर्णा सिस्टम का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद के जो 10th मंडल है, मतलब कि 10th चैप्टर जो है, उसमें यहाँ पर इस चीज के बारे में लिखा गया है, ठीक है भाई, इस चीज को याद रखिएगा, इसको आपने लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय क्रेडिट का ढांचा, राष्ट्र में क्रेडिट का ढांचा क्या चल रहा है उसके ऊपर है। यूजीसी है जो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उनके अध्यक्ष ने बोला है, क्रेडिट सिस्टम सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने में काफी सहायक होता है। अब यहाँ पर NCF, नेशनल क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, इसमें क्रेडिट्स होते हैं जो कि स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल और स्किल्स एजुकेशन के तहत बनते हैं। इस पूरे में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर हमारी भारत की जनरल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सारी चीजों को मिक्स किया जाता है, जितने भी क्रेडिट्स यहाँ पे रहते हैं उन सबको मिक्स करके जो है एक क्रेडिट करके फ्रेमवर्क, आप सब लोगों ने देखा होगा क्रेडिट का यहाँ पर यूज जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो एक तरीके का क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर वो तैयार किया जाता है पूरे इसके माध्यम से, ठीक है भाई। तो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यूजीसी द्वारा तैयार किया गया, ताकि आप जितने भी असाइनमेंट लेते हो, आप जितना भी यहाँ पर संचयन, भंडारण, संकलन कुछ भी होता है, उन सबको क्रेडिट के माध्यम से आपका आंसर जो है वो रखा जाता है, ठीक है भाई। एक तरीके का ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है, आपको बस ये याद रखना है ये यूजीसी ने तैयार किया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये लर्निंग से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। लर्निंग से मेरा यहाँ पर सीधा मीनिंग है, जो हमारी यहाँ पर लर्निंग होती है रिलेटेड टू, आप कह लीजिए पूरे एक तरीके से लर्निंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, समझा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है,
उन सब से जुड़े हुए चीजों को यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ये सब वही है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अगला आता है पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर। अब हम यहाँ देखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी क्या चीज है। अब देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो क्या रोल प्ले करती है। संसद के जितने भी समितियां हैं वो आप जानते हैं कि भारत में बनाई गई हैं पार्लियामेंट के सारे कामों को देखने के लिए। पार्लियामेंट की कमेटी दो तरीके की होती है, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है तथर समिति, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। एडहॉक जो है वो टेम्पररी तरीके से होती है, स्टैंडिंग कमेटी हमेशा होती है, वो हर एक साल में बनाई जाती है ताकि लगातार काम करती रहे। पीआरएस की लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर 25% ही केवल ऐसे बिल रहे हैं लोकसभा के अंदर जो यहाँ पर प्रस्तुत हुए और पास भी हुए हैं। तो यहाँ पर इनका स्टैंडिंग कमेटी का, जो स्थायी कमेटीज होती है पार्लियामेंट में, इनका क्या रोल प्ले होता है। देखो भाई इनका रोल क्या प्ले होता है, सबसे पहला कि जितने भी बिल पास होते हैं, जितने भी बिल आते हैं, ये उनको पूरे तरीके से एक जांच करते हैं, उस बिल को पूरा यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करना कानूनी तरीके से कि हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है, इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हर एक तरीके से, हर एक मेथड से, हर एक पॉइंट से उसमें चेंजेस को यहाँ पर देखा जाता है। उसमें सारी सारी चीजों को आप कह लीजिए कि हर एक प्रकार से उस पूरे को चेक किया जाता है कि इसमें अगर हम चेंजेस करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसमें अगर हम ये वाली चीजें लाएं तो उसमें यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, तो हर एक चीज का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो ये कमीशन है वो आपको प्रोवाइड करती है, काफी बेहतर रूप से काम करती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ये भी एक आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये जो है कार्यकारी कार्यों का निगरानी भी रखती है कि कौन सी पॉलिसी आ रही है, बजट में कौन सी पॉलिसी को लेके आया जा रहा है, उसको कैसे एस्टिमेट करना है, उसमें से क्या क्या चीजें देखनी है, इंप्लीमेंट कौन सा करना है, बजट का कितना भी काम है, बजट का जितना भी आवंटन है वो सारी आवंटन को ये चेक करती है, कितना अनुमान है, कितने व्यय होंगे, पिछले व्यय के परिणामों की जांच करना, और ये बताना कि कितना भी जो पब्लिक का पैसा है वो हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। और बजट के समय यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का होता है, डिपार्टमेंटल कमेटीज का, लोगों के पार्टिसिपेशन भी बताते हैं ये लोग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पूरे जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज यहाँ पर वो डिसाइड करती है, वो सिर्फ एडवाइस कर सकती है। ये सारी की सारी एक तरीके से क्या है, एडवाइजरी इन नेचर है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ बाइंडिंग होती है, इनका जो नेचर है वो कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ही करती है, एडवाइजरी इन नेचर रहता है, बाइंडिंग कुछ भी नहीं होता इनका। और बाकी जिन जिन चीजों की इनको एक्सपर्टीज होती है उसमें उस पर्सन को वहां पे इंक्लूड किया जाता है, जो जो एक्सपर्टीज जिस जिस की भी होगी उस हिसाब से वो जो है पूरा का पूरा काम दिया जाता है कि किसकी किस चीज में एक्सपर्टीज है, कहाँ पे किस चीज का इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें उस हिसाब से चलती हैं। इसी तरीके से कुशल तरीके से, विशेष तरीके से पूरा काम चल सकता है। तो ये एक कमिटीज होती है, ये एक एक साल के लिए बनाई जाती है, उससे क्या होगा ना कि अगर अगर ये नहीं होंगी तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकम्प्लीट लगेगी और लोग बाकी जो सारे एमपीज हैं वो गिलोटीन अध्यादेश इन सबको वापस जो है वो जबरदस्ती लाने की बार बार कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी है कमिटीज, आप देख सकते हैं नाम यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी में, एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है एडहॉक। फाइनेंशियल में तीन आती है, पीएसी, एस्टिमेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पीएसी जो है वो 1921 में बनाई गई थी पहली बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1921 में एग्जिस्टेंस में आती है, इसको 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल 22 होते हैं, जिसमें से 15 और 7 का डिविजन है, 15 यहाँ पर जो है वो लोकसभा से होते हैं, 7 यहाँ पे राज्यसभा से होते हैं। एस्टिमेट कमेटी सबसे ज्यादा बजट के समय काम करती है, जिसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था 1950 में जॉन मिथाई के रिकमेंडेशन पर, जो कि उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो एस्टिमेट्स कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी होती है, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमेटी में राज्यसभा की 0 रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा एस्टिमेट्स कमेटी, एक भी मेंबर नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर हम बात करें, सॉरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, तो इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, इसको 1964 में वीके कृष्णा मेनन के कहने पर बनाया गया था।
इसमें 15 और 7 होते हैं, 15 यहाँ पर लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो यहाँ पर राज्यसभा से होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मेंबर्स चूज किए जाते हैं 22 MPs को। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एस्टिमेट्स और PAC इस तरीके से याद रखिएगा, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कितने कितने होते हैं, कितना कितना क्या नाम है, ये सीधा सीधा एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए सीधा सीधा इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो कमिटीज वगैरह है वो तो आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। कमिटीज के ऊपर कभी ना कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% एक क्वेश्चन कमिटीज पे आता ही आता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर वीडियो सुन रहा है वो कमिटीज को जरूर कंप्लीट कर ले। आगे लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कि एनिमल जो पशु महामारी है उसकी कैसे हम पहल कर रहे हैं। देखिए सरकार ने अभी यहाँ पर एक नया प्रारूप तैयार किया है जिसका नाम है पशु महामारी तैयार पहल, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव, जो कि वन हेल्थ अप्रोच के तहत स्टार्ट किया गया, जिसमें हम ये क्या फोकस करेंगे कि एनिमल से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं जो कि एनिमल और ह्यूमन दोनों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, उनको यहाँ पर तैयार किया गया है। इस पूरे के अंदर चिकित्सा की सेवाएं, अवसंरचना, निगरानी रखना, गौशालाओं को बनाना, ऐसे एनिमल हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करना, एनिमल हेल्थ प्रोफेशनल समझते हैं ना सब लोग, ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल को यहाँ पर पूरा एनिमल्स की जानकारी रखते हैं, हर चीज की यहाँ पर नॉलेज रखते हैं, उनको रिक्रूट करना, एक प्रोजेक्ट बनाना जहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट हैं, ह्यूमंस हैं, हर एक को यहाँ पर लेकर के आया जाएगा ताकि एक बेटर अप्रोच किया जा सके। अभी तो यहाँ पर सिर्फ ये 5 राज्यों में लागू किया गया, धीरे धीरे करके इसको और ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है भाई। ये सेंट्रल सेक्टर है, पूरा सेंटर ही इसको पूरा देख रहा है, इसमें स्टेट का कोई भागीदारी नहीं है। इसके लिए एक पोर्टल भी स्टार्ट किया गया, नंदी पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो यहाँ पर बनाया जाएगा पूरे एक तरीके से सर्विलेंस रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। डिजास्टर मिटिगेशन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी यहाँ पर बनाया गया, जो कि आपदा से जुड़ी हुई सारी चीजों को यहाँ पर सॉल्व करेगा। आपदा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर कभी भी सिचुएशन खराब होगी तो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर वो इसके लिए तैयारी की जाएगी इसी के तहत, ठीक है भाई। वन हेल्थ का यहाँ पर मतलब है कि हर एक को यहाँ पर आगे लेके आना, क्योंकि आगे आने वाले समय में हेल्थ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं। तो WHO ने यहाँ पर एक वन हेल्थ इनिशिएटिव लिया जिसमें एनिमल, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट तीनों पे काम किया जाएगा। WHO, FAO के साथ, UNEP के साथ और एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ मिलकर के यहाँ पर काम कर रहा है, और ये सबके साथ जो ये काम कर रहे हैं उसी में यहाँ पर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। तो क्वेश्चन आता है वन हेल्थ इनिशिएटिव किसका है, इसको आप लिख लीजिए, वन हेल्थ इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों से यहाँ पर जो है एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, इसको आप लिख लीजिए, ये सब जो है आपसे पूछा जा सकता है। वन हेल्थ के ऊपर क्या है, वन हेल्थ जो है यहाँ पर एक तरीके से माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, इन सबको यहाँ पर बचाने में मदद कर सकता है। आज का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड का जो फूड प्रोग्राम है इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, FAO पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम पहले तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है WFP कहते हैं इसको, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो UN के साथ जुड़ी हुई है, 1961 में है। ये लार्जेस्ट वर्ल्ड की ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भुखमरी के लिए काम करता है, जिसके हेडक्वार्टर्स रोम इटली में बने हुए हैं। करीब 128 मिलियन पीपल को ये सपोर्ट कर चुका है, 120 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ये काम कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पर आज के समय में तो ये जो भी फूड से जुड़ी हुई चीजें हैं भाई, कोई भुखमरी से किसी की डेथ ना हो, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत व्यापक मूल्यांकन गोल जो है, उसके जो 17 गोलों में से जो सेकंड नंबर का गोल है जो कि कहता है जीरो हंगर होना चाहिए, उसको ये कंप्लीट करने में हेल्प कराता है। इवन जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनको 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इनकी फंडिंग जो है वो अलग अलग डोनेशंस के थ्रू आती है। यूएस जो है, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग इनको प्रोवाइड करता है, सबसे बड़ा डोनर वही है, ठीक है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया की तरफ से यहाँ पर कई बार रिप्रेजेंटेशन रही है, पर ऑलमोस्ट ये यूनाइटेड स्टेट से ही आते हैं। इंडिया की तरफ से यहाँ पर सिर्फ एक ही बार यहाँ पर डायरेक्टर रहे हैं, जिनका नाम है सुशील के देव, एक बार बने थे और उसके बाद से सारे यूएस की बन रहे। कोई इमरजेंसी में मान लीजिए किसी को फंड चाहिए, जैसे
अफगानिस्तान में, इथोपिया में, साउथ सुदान, सोमालिया, येमेन, नाइजीरिया, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उनका समाधान निकालने के लिए भी हमेशा आगे रहता है। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यूट्रिशन और बच्चों में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए नए नए तरीके यहाँ पर ये खोजता रहता है, डिजिटल तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। और काफी अच्छा काम इन्होंने करा है। इन्होंने बोला है कि भाई कभी भी अगर वॉर होता है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन है आज की सोसाइटी में, होते ही रहते हैं, उसमें फूड एज अ वेपन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, भुखमरी से किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, एक वैक्सीन जो डेवलप की गई है नाम है उसका R21, जिसको हम मैट्रिक्स एम करके वैक्सीन भी कहते हैं, जो मलेरिया की वैक्सीन है। ठीक है, ये अभी की नहीं है, वैक्सीन तो पुरानी हो गई है। किसने बनाई थी ये जो है पहले, इसको ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है। ठीक है, ये मलेरिया के अगेंस्ट ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी यूके में इसको बनाया गया था। ठीक है, और अभी ये भारत बायोटेक इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये किसके अगेंस्ट काम करती है? मलेरिया के अगेंस्ट। मलेरिया जो कि किससे कॉज होता है? एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सबसे ज्यादा मलेरिया की बीमारियां अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया में देखने को मिलती हैं, और सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो उसकी सब सहारा अफ्रीकन रीजन में देखने को मिलती है। WHO ने कई बार अलग अलग वैक्सीन को तैयार किया है, जिसमें से WHO ने अभी जो अप्रूव करी है वो एक सबसे पहली वैक्सीन थी मॉस्क्यूरिक्स, जो कि ग्लैक्सो स्मिथ ने बनाई थी यहाँ पर 2021 में, और इफेक्ट काफी अच्छा है। लेकिन जो WHO ने अप्रूव करी और जो WHO की जो मापदंड है WHO के, उनपे जो खरी भी उतर पाई है वो इकलौती अभी जो बनी है वो है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। ये कैसी वैक्सीन है जो हर एक मापदंडों पे खरी उतर के आई है? तो ये वाली वैक्सीन हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को लर्न करना होगा, क्योंकि ये वैक्सीन अपने आप में काफी ज्यादा न्यूज में है। और ये वैक्सीन से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, इसको आप लिख लीजिएगा, बस एक स्टेटमेंट में करेक्ट कर लिएगा। इसको सीरम इंस्टीट्यूट जो है ना वो बना रहा है, भारत बायोटेक नहीं बना रहा है, भारत के अंदर। बाकी घाना जो है, घाना कहाँ पर है भाई? घाना जो है वो अफ्रीका में पड़ता है। घाना इसको अप्रूव करने वाला कंट्री बन गया है, जिसके तहत इसको प्रॉपर तरीके से अप्रूवल मिल चुका है, और ये एक बेहतर तरीके से वैक्सीन के रूप में काम करने को तैयार हो गई। ठीक है भाई, यहाँ तक याद रखिएगा, ये थे आज के हमारे पूरे टॉपिक्स। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।